नाज़रीन रोशनी पब्लिशर्स तरफा गश्ती किताब घर वसीले समूरी सिंध में किताबी मेला लगाया वन पा इस्लाम कोट में सिंधी अदबी संगत के सहकार से पब्लिक लाइब्रेरी में टिन दिन वो किताबी मेलो लगाया वो उन हवाले से वीडियो लिंक ते मौजूद है आवाज न्यूज रिपोर्टर फकीर बशीर अहमद जी। फकीर बशीर अहमद जी बिल्कुल, गश्ती किताब घर जका है उन पारा समूरी सिंध में किताबी मेला लगाने जो सिलसिलो है सा जारी है। इस्लाम कोट शहर की जका पब्लिक लाइब्रेरी है उनमें टे रोजा किताबी मेलो लगाया वो है जो अज पहों या है। इतने जो मौजूद जो तावन कन पा खास तौर पर सिंधी अदबी संगत उनखा सिवाय जो इतने अमलो है जो किताब विक्रो कराया उन समेत जो नौजवान हैं उन गाल बोल कहीं तो हि जो किताबी मेलो लगो है उनके यो कें था दिसन मतलब पुठते पल इलाका इतना का ही शे पढ़ा अगत नौजवान नस्ल यो सिर्फ यो निसाबी सरगर्मियों का सवा वक्ती अहमियत है जरूरत है तो अस निसाबी सरगर्मी के अलावा अदबी तारीख अस उन पस मंजर में अस नौजवान शागिर्द के नौजवान नस्ल के उड़ा वन घुर्ज किताब तक एडो शऊ डे तो जैसी लाट शायद अज भी इस्लाम कोट में तमूँ शुरू थी नौजवान तबको अचे पो किताब वे पो नौजवान तबको जो किताब वो ओतो उनमें शऊर पैदा थी नौजवान के असो यो ही अर्ज आ सिंध की बुख बदहाली मुफलसी बीमारी उन सो इलाज जो है वो इल्म में आ शौर में आ किताबन में आ घने में घना किताब पढ़ो सुठा सुठा जो लेखक उन किताब पढ़ो असानी कौम बीमार कौम आुतल कौम आलीम से इतने इस्लाम कोट दुनिया जाऊँ तो दोस्त इस्लाम कोट दुनिया जो वाहिद शहर है जिसे को भी किताब की दुकान को हि जो असो पेरे पेरे टडरो जाम में स्टॉल लगे चुका हूँ उन्हीं का बाद टडरो अलियार वीरपुर खास ढोरो नारो उमरकोट चिलियार मिठी अज इतने आया हूँ इस्लाम कोट में माशाला इल्मियत भी सुठी तामन सा जी बिल्कुल, गश्ती किताब घर पारा जेका मेला लगाने जो सिलसिलो समूरी सिंध में जारी हो अज पहरियों दियो इस्लाम कोट की लाइब्रेरी में लगल मेले में मौजूद जेका टाउन ऑफिसर समेत सिंधी अदबी संगत जे अगवान नौजवान गाल बोल कंदे चयो आए तो किताब जेका है वो जिंदगी में इंसान जो सुठो एक दोस्त आए इंसानियत किताबन का मिली है चाहे वह कुरान शरीफ हुए या गीता हुए। इस्लाम कोट की जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनमें यह अज पहों ओ इतने नौजवान तरफा वे तैदाद में जो किताबन की खरीदारी जो सिलसिलो है सा जारी है। कैमरा टीम से गड फकीर बशीर अहमद आवाज़ टीवी न्यूज़ मिठी थरपारकर।